नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, यह एक फिक्शनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आप भूतों में मानते हैं तो वो आपकी मर्जी है, नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। भाई भाई, जब विश्वास ही नहीं करते तो भूतों पे वीडियो क्यों बना रहे हो? एक्चुअली क्या है ना, आज से पहले मैंने जब जब इस चैनल पे भूत से व्यूज, बाबू भैया व्यूज, आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे, ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ये बात है आज से 5 साल पहले की, जब मैं और मेरी फैमिली वेकेशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस वक्त मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था एंड मेरी सिस्टर प्रेरणा और हर्ष जीजू की नई नई शादी हुई थी। अब हमारा ट्रिप जो था वो था 10 दिन का। एंड ये बात है, जब हम 7th डे पे गोल्ड कोस्ट में थे, गोल्ड कोस्ट में ना ग्लोवर्म केव्स हैं, फायर फ्लाई केव्स, बेसिकली जुगनू। एंड वहाँ पे रात में इतने सारे जुगनू होते हैं, साथ में मतलब चमक रहे होते हैं, लिटरली ऐसा लगता है कि लैंप्स लगे हुए हैं। तो हमारा प्लान बना उन केव्स को एक्सप्लोर करने जाने का, लेकिन ऑब्वियसली अब जुगनू तो रात को ही चमकते हैं, नहीं मैं नहीं मानता। तो उन केव्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए रात को ही जाना पड़ता है, लेकिन हम तो सुबह ही पहुंच गए थे क्योंकि यार हम विले लोग और वहां पे क्या करेंगे। तो अब दिन के वक्त ही हम वहां पे पहुंच गए एंड वहां पे आसपास जो भी जगहें थी, कैफेज थे, वहीं पे बैठ के अपना हम टाइम पास कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि रात हो ताकि हम उस फायरफ्लाई शो को देख सकें। तो 2000 इयर्स लेटर शाम का वक्त हुआ। अभी वेट करते करते ना मेरी अंतड़ियां सूखने लग गई थी, मतलब इतना सब रो रहा था मैं कि मैंने बोला भाई लाओ DSLR पकड़ाओ, और मैं कैमरा लेके जंगल की तरफ चला गया कि भाई मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूंगा, मेरे को भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है 3 Idiots के फरहान की तरह। अब्बा नहीं मानेंगे। खैर अब्बा तो मेरे भी नहीं मानेंगे। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि वो रेन फॉरेस्ट सेंचुरी था एक जंगल, घना जंगल, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना उस टाइप का। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करके 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा एंड फिर उसके बाद फायरफ्लाई शो देखने चले जाएंगे। लेकिन हर बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी ऑलीवुड मूवी की तरह इस स्टोरी का भी हीरो एकदम बेवकूफ़ था। सो बेसिकली मैं उस जंगल में खो गया। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। मैं उस जंगल के जिस भी कोने में था ना, वो बहुत स्केरी था। एट दिस पॉइंट मेरा फोटोज खींचने का एंड एक्सप्लोर करने का जो भूत था वो भी उतर गया था। यू सी द पन, भूत की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई तो भूत उतर कैसे गया? आई एम सपोज टू मेक दिस स्कैरी, ऐसे फालतू के जोक मारता रहूंगा तो अभी सीरियस एकदम भूतिया माहौल के साथ। वहाँ पे एकदम डेड साइलेंस थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अब भी कहीं से भी आके मेरे पे अटैक कर देगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे एक पर्पल कलर का पेड़ दिखा, तो मैं उस पेड़ के पास गया और उसके पिक्चर्स क्लिक करने लग गया, क्योंकि यार कभी लाइफ में पर्पल कलर का पेड़ देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने क्लिक करने के बाद जब वो पिक्चर्स देखी तो पेड़ के पीछे एक अजीब सी शैडो थी उसमें। बहुत ही हिम्मत करके मैंने जब पेड़ के पीछे एक्चुअली में देखा तो वहाँ पे सच में एक औरत खड़ी हुई थी, एकदम डल सी, क्रीपी सी, एंड द वर्स्ट पार्ट वो मेरी ही तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पीछे की साइड जाने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा यार शायद वो भी बाहर जा रही होगी, तो अगर इसके पीछे पीछे मैं जाऊँगा तो मैं भी बाहर पहुँच जाऊँगा। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर, मैं उनके पीछे पीछे चलने लग गया। एक दो बार आवाज़ लगाई मैंने, पर वो आगे आगे ही चली जा रही थी। थोड़ी देर तो मैं उनके पीछे चलता रहा, उसके बाद मैं थक गया एंड मैं एक जगह पर रुक गया। मेरे रुकते ही वो औरत भी रुक गई एंड धीरे से वो मेरी तरफ पलटी और 2 मिनट तक वहीं खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। एट दिस पॉइंट मेरी फटने लगी थी एंड द वर्स्ट पार्ट अब वो मेरी तरफ चलनी शुरू हो गई। एंड जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी, मुझे उसका फेस क्लियरली दिखने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था एंड उसकी आंखें, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी मेरी और ज़्यादा फटती जा रही थी एंड मुझे चक्कर आने लगे एंड मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक और प्रेरणा मेरे सामने ही थे। आई वॉज सो हैप्पी कि थैंक गॉड इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया।
मेरा सर फट रहा था दर्द से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इनको बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम कैफे वापस चले गए जहाँ पे बाकी घर वाले हमारा वेट कर रहे थे। फिर कैफे वापस पहुँच के बहुत हिम्मत जुटा के मैंने सबको उस औरत के बारे में बताया, एंड प्रूफ के लिए मैंने सबको वो वाली फ़ोटो भी दिखाई जो पेड़ के पीछे मेरे को उसकी शैडो दिखी थी। बट यू नो व्हाट, फ़ोटो में कुछ था ही नहीं, कोई शैडो नहीं थी। तो ऑब्वियसली किसी ने मेरा विश्वास किया ही नहीं, सबको लगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ उनके साथ। लेकिन जब इसके बाद हम फायरफ्लाई शो देखने जा रहे थे तो हमारे गाइड ने हमें बोला कि सब ग्रुप में चलना और कोई भी अकेले मत जाना, क्योंकि वहाँ पे कई जानवर हैं एंड पैरानॉर्मल चीज़ें भी विटनेस की गई हैं। ये सुन के मेरी और ज़्यादा फट गई। मुझे उस टाइम तो वो चमकते जुगनू भी, उनसे भी डर लगने लग गया था। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि उस औरत को मैंने देखा था या नहीं देखा था। वो जंगल में मैं खो गया था इसलिए मैं पैनिक कर रहा था, इसीलिए मैं चीज़ें ऐसा सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रही थी, या वो सच में हुई थी। एंड अब इससे पहले कि कोई मेरे ऊपर वीडियो बना देखे, ट्रिगर्ड इंसान एक्सपोज्ड, झूठी भूतिया कहानी सुनाई इसने, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एक फिक्शनल वीडियो है। मीनिंग मैंने एक स्टोरी लिखी थी। मैंने सोचा था कि जब मैं एक दिन बॉलीवुड में बहुत बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाऊंगा तो ये स्टोरी पे मैं मूवी निकालूंगा। बट वो तो मेरा सपना पूरा होने से रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे ये वीडियो डाल देते हैं। खूनी मंडे वालों ने इसको एनिमेट किया, बाय द वे गाइस डू चेक आउट खूनी मंडे, क्या एनिमेट किया है इस वीडियो को यार, दे आर प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एनिमेशन चैनल है, तो डू चेक देम आउट। मैंने आज तक जितनी भी स्टोरी टाइम वीडियोस डाली हैं इस चैनल पे, वो सभी एक्चुअली में मेरे साथ या फिर मेरे घर वालों के साथ या किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ हुई हैं। ये पहली स्टोरी टाइम है इस चैनल की जो फिक्शनल है, फेक नहीं बोलते, फेक थोड़ा वो लगता है ना, एक्सपोज्ड फिक्शनल है ये। एंड ऑल्सो गाइज, अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पे, द मेन अनाउंसमेंट, दैट इज़ द चैरिटी स्ट्रीम जो कि होने वाली है संडे को, दैट इज़ 2nd of May, आई थिंक संडे 2nd of May पड़ेगा 2021 ऑब्वियसली। इसी चैनल पे, ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे, मैंने एज सच लास्ट संडे को जो स्ट्रीम हुई थी मिथपैट के चैनल पे, उसके जैसा कुछ लार्ज स्केल पे तो नहीं ऑर्गेनाइज करा है, लेकिन थोड़े बहुत ऑब्वियसली दोस्तों को बोला है आने के लिए, वो लोग आएंगे, वो डोनेट करेंगे, कुछ मैं डोनेट करूंगा, कुछ मेरे घर वाले डोनेट करेंगे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह डोनेट करेंगे, एंड वी विल रेज फंड्स फॉर कोविड रिलीफ। एंड हाँ, तो उस स्ट्रीम का पार्ट आप लोग भी ज़रूर बनना ऑन दिस संडे, एंड सेफ रहो, स्टे सेफ बिकॉज बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। जैसे कि मैं इंस्टा स्टोरीज में बता चुका हूँ, मेरा पूरा ब्लॉक जो है उसमें ऑलमोस्ट हर घर में कोविड है। लकीली अभी तक हम सेफ हैं, हाँ अभी हम सब सेफ है, आप लोग भी सब सेफ रहो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।